आज टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन बाय द लेंस वर्क मेथड। कल हमने एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे जो है वो बॉलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाता है जब कोई सल्यूट जो है प्योर सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है, ऐड किया जाता है, तो आफ्टर डैट उसका जो वेपर प्रेशर है वो लोअर हो जाता है एंड उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इजाफा हो जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ द सॉल्यूट्स इन ए सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो इसके लिए जो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बाय द लेंसबर्ग, ये सामने जो दिखाया गया प्लेटस, इसमें ट्यूब है, ये एक आउटर ट्यूब है, ठीक है, और ये एक इनर ट्यूब है जिसमें एक क्या होल है, उसके अलावा थर्मामीटर इसमें अटैच है, और ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं रोज हेड, जो कि इसके लिए इस्तेमाल की जाती है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए। इसके अलावा ये जो इधर अटैचमेंट है रोज हेड, इसमें इसको कहते हैं बॉइलिंग फ्लास्क। ठीक है। अब देखो जी क्या होता है जी, हम ये जो आपकी सेंट्रल है ये वाली, इसको फिल्ड कर देते हैं बेटा जी प्योर सॉल्वेंट से। मैं तरीकाकार मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट हीट नहीं करते, तो हम फिर किसको करते हैं, ये जो बॉयलिंग फ्लास्क है इसके अंदर भी वही सॉल्वेंट डाला हुआ है, ठीक है। इससे पैदा क्या होते हैं ये आपके वेपर्स, फिर वो जो वेपर जो है ना उसके जरिए इसको हम देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे थर्मामीटर है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको इसमें सिर्फ खालस क्या डाला हुआ है आपने सॉल्वेंट, तो थ्रू वेपर्स जो है ना इसको हीट करना, जब वेपर इसमें मुंतकिल होंगे तो इसमें क्या होगी वेपर्स पैदा होंगे। ये होल इसलिए बनाया हुआ है ताकि जो भी वेपर्स बने हैं जो इस रास्ते के जरिए इस होल नीचे वाले से बाहर आ जाए, ठीक है। अब रही बात, अब क्या करेंगे हम इसको, इसमें हम इसका जो टेम्परेचर है उसको मेजर करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं T1 कहते हैं। फिर इसको ये जो कार्बन लेड है ये वाला इसको ओपन कर देंगे, फिर इसके रास्ते जो है ना इसमें क्या ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे जैसे पहले करते हैं जी सॉल्यूट, क्या ऐड कर देंगे बेटा सॉल्यूट ऐड कर देंगे। जैसे ही सॉल्यूट ऐड होगा तो फिर दोबारा वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। इसके बाद क्या होगा जी, जब सॉल्यूट ऐड हो जाएगा तो फिर दोबारा इसकी मेजरमेंट करेंगे हम इसकी, इसके बॉइलिंग पॉइंट्स की, ठीक है। और वो जो बॉइलिंग पॉइंट्स होगा वो अब प्योर सॉल्वेंट का नहीं होगा बल्कि किसका होगा सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है ना क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। फिर आपने फार्मूला कल स्टडी किया था, फिर वो जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते। वो क्या था फार्मूला, अब देखो हमने T1 वो क्या था आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, T2 जो होगा वो आपका किसका होगा सॉल्यूशन का, डेल्टा टी क्या होगा T2 - T1 जिसको हमने डेल्टा टी बी कहा था, जो कि के बी मल्टीप्लाई बाय किसके आया था एम से। फिर आपको पता था कि इसमें हम डेल्टा जो टी बी है वो इसकी मदद से मालूम कर लेंगे, फिर उसके बाद के बी इज कॉन्स्टेंट पावर, ठीक है। तो देन हम इसका मॉलिक्यूलर जो मास है उसको क्या कर सकते हैं, ये एम यहाँ पे M2, पता है ना आपने एम पढ़ा हुआ था डिटेल में कि M2 क्या था, तो वो क्या फार्मूला था जी हमारा, हमने देखा था जी M2 इज इक्वल टू W2 बट्टा मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर M1 मल्टीप्लाई बाय सॉरी M2 मल्टीप्लाई बाय क्या था W1। ओके जी, ये फार्मूला हम इसकी मदद से क्या कर सकते थे फाइंड
आउट कर सकते थे। ठीक है जी, दिस इज द फार्मूला जिसकी मदद से हम एम टू बाद में फाइंड कर सकते हैं। ये जो ऑपरेटर था ये हमें क्या बताता, सिर्फ डेल्टा के भी हमने डेल्टा टी भी कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो हम पढ़ते हैं कि जैसे वाटर है वो 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड एडिशन हो जाता है, ये हम उसकी मदद से।